पिछले एक सप्ताह में मैंने यूएनएससी में भारत के वीटो पावर और परमानेंट सीट से रिलेटेड कई सारे वीडियो बना दिए हैं। इसका कारण यह है कि इस समय यह टॉपिक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है और हर दिन इससे रिलेटेड कुछ न कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और यह जरूरी भी है कि अगर इस मुद्दे से रिलेटेड कोई भी खबर निकलकर सामने आए तो मैं उससे आपको अवगत कराऊं। इसीलिए अब इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक और खबर निकलकर सामने आई है। पिछले एक दशक से भारत यूएनएससी में परमानेंट सीट मांगते मांगते थक गया, तो अब भारत को यह बात तो समझ में आ गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। इसीलिए भारत ने अब अपनी उंगली को टेढ़ा कर लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो यह खुले आम कह दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा सुलझा पाने में यूएनएससी पूरी तरह से विफल रहा। इसीलिए अब यूएनएससी के ऊपर विश्वास करना यह दुनिया के बाकी देशों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब पूरी खबर क्या है और विदेश मंत्री ने ऐसे बातें क्यों कही हैं, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब पूरी बात यह है कि भारत ने यूएनएससी में एक बार फिर से बदलाव की मांग उठाई है। गुरुवार को यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली के 18वें सेशन की एक मीटिंग थी। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए दुनिया के लगभग सभी देश आए हुए थे, जिसमें G4 देश यानी कि भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी भी थे। इन देशों ने जनरल असेंबली के मीटिंग से हटकर एक और मीटिंग किया, जहां चारों देशों ने यूएनएससी में जरूरी बदलावों को लेकर आपस में काफी समय तक डिस्कशन किया। इस दौरान बैठक में शामिल तुर्की और पुर्तगाल ने भी भारत के परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यह जान लें कि G4 देश चार देशों को मिलाकर बनाया हुआ वह संगठन है जो केवल यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए ही डिस्कस करता है। इसीलिए इन देशों के बीच जब भी कोई मीटिंग होती है तो इसमें यूएनएससी का मुद्दा इनका हार्ड पॉइंट होता है। बैठक के दौरान सभी देशों के मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि यूएनएससी में केवल 5 देशों को परमानेंट सीट मिलना यह बाकी दुनिया के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि इस समय दुनिया में ऐसे कई सारे वैश्विक मुद्दे हैं जिनके ऊपर यूएनएससी समय से एक्शन नहीं ले पाता। 80 साल पहले जब यूएनएससी का गठन हुआ था तो उस समय दुनिया में कुल देशों की संख्या 50 थी, लेकिन आज 80 साल बाद दुनिया में कुल 200 देश हो गए हैं, लेकिन परमानेंट देशों की संख्या 5 के 5 ही है। यही कारण है कि यूएनएससी अब वैश्विक मुद्दों को सुलझा पाने में असफल साबित हो रहा है। यूएन के जनरल असेंबली के मीटिंग में भारत की तरफ से 2 सवाल पूछे गए, जिनमें से पहला सवाल यह था, क्या इस समय यूएनएससी के पास ऐसा कोई प्लान है जिससे रूस यूक्रेन युद्ध को रोका जा सके, और अगर प्लान है भी तो क्या उस पर सारे देश सहमत हैं। दूसरा सवाल यह था कि अगर यूएनएससी के पास कोई प्लान नहीं है तो फिर और देशों को परमानेंट मेंबरशिप देकर उनसे इस बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया जाता। इस बैठक में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी संजय वर्मा ने कहा कि संगठन में सभी देशों की भागीदारी और सभी वैश्विक मुद्दों को सही तरह से एड्रेस करने के लिए यूएनएससी में बदलाव करना यह बेहद ही जरूरी है। अब पुराने स्ट्रक्चर को बदल कर ही संगठन की विश्वसनीयता को फिर से बढ़ाया जा सकेगा। अगर यूएनएससी में कोई बदलाव नहीं होता तो इसकी रिलायबिलिटी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और जिसे फिर वापस से ला पाना यह काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि असेंबली के मीटिंग में तुर्की, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इस बात का समर्थन किया और उन्होंने भी यह माना कि भारत ने इस बारे में जो बातें कही हैं वह बिल्कुल सही है। खैर, पिछले 2 साल से भारत ने ऐसा कोई वैश्विक मंच नहीं छोड़ा जहां पर यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की बातें न की हो। यूएनएससी में बदलाव के लिए भारत ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि भारत को आखिर कब परमानेंट मेंबरशिप मिलता है। खैर दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।